रीढ़ की हड्डी का जो फ्रैक्चर जिसे हम वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं, अक्सर है ना चोट के कारण होता है, या काफ़ी लंबे टाइम से कुछ दवाएं जो स्टेरॉइड्स वगैरह दी जाती हैं या एनाल्जेसिक दी जाती हैं, या डाइट्री डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है, या कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कुछ कैंसर्स हैं, माइलॉइड ल्यूकीमिया है, उसके अंदर भी हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से जो कॉमनेस्ट डिसऑर्डर है कि ओल्ड एज जो फीमेल्स होती हैं, मीन्स 50-55 की उम्र की जो मेनोपॉजल फेज में चली जाती हैं, उनके अंदर से हार्मोनल इरेगुलेशन हो जाता है और उससे जो हमारा जो कैल्शियम है वो डिमिनरलाइज होना चालू हो जाता है, जिसके कारण ये फ्रैक्चर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का अपना कंसिडरेशन करते हुए सावधानियाँ रखें कि हमें कोई चोट लगी है, चोट लग रही है, या डाइटरी डेफिशिएंसी है, या कोई ऐसी बीमारी है, इन सब का ध्यान रखते हुए हम अपनी रीढ़ की हड्डी को एक सुरक्षित जगह पर मान सकते हैं।